हेलो फ्रेंड्स, आंवले सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रोलिक स्टेज आज आपके लिए लेके आया है आंवले के जैम की रेसिपी। जैम खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है। जैम को आप ब्रेड के साथ ले सकते हैं, पराठे के साथ ले सकते हैं और भी बहुत सारी रेसिपीज में जैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले से बना हुआ ये खट्टा मीठा जैम आपको बहुत पसंद आएगा। नेचुरल कलर है, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें हमने यूज नहीं किया है। बहुत ही टेस्टी यमी ये जैम बनके तैयार होता है। आप इसे बनाइएगा, खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए। फ्रोलिक स्टेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू। स्टीम में जब आप आंवले को पकाते हैं तो डायरेक्ट पानी के टच में ना रहने की वजह से उसमें सारे पौष्टिक तत्व बने रहते हैं, साथ ही साथ इसमें पानी भी नहीं जाता है। तो यहाँ मैंने लिया है आज मोमोज स्टैंड, इसके अंदर मैंने पानी बॉयल करना रख दिया है और आंवलों को मैंने धो के इसमें रख लिया सेकंड चैम्बर में और इसमें हम इसको 10 मिनट तक के लिए बॉयल करेंगे, जब तक कि आंवला जो हमारा है वो पूरी तरह से पक ना जाए। आप चाहें तो ये प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं। कुकर में अगर इस प्रोसेस को करते हैं तो उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने चटनी और कैंडी में कुकर में ही ये आंवले को पकाया है। फ्रेंड्स, ये आंवले अभी गर्म है तो जब भी आप इसे बनाएं तो थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, ये अपने आप बहुत इजीली निकल आते हैं। अब कुछ रेसिपीज में हमें पल्प चाहिए तो आप इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिएगा तो आपको पल्प मिल जाएगा। और कुछ रेसिपीज में हमें इस तरीके से पीसेस चाहिए तो हम इस प्रकार से पीसेस को अलग कर लेंगे। पल्प बनाते हुए हमने ध्यान रखना है इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, यानी कि ग्राइंडर को आप रुक रुक के चलाएंगे, बिल्कुल स्मूथ हमें पेस्ट चाहिए। आंवले का जैम बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी लिया है आंवले का पल्प, जिस कटोरी से आप आंवले के पल्प को मेजर करेंगे उसी कटोरी से मेजर करके आपने चीनी लेनी है। एक कटोरी ही हम उसमें चीनी डालेंगे, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में ये दोनों चीज़ें होंगी। आंवले के पल्प और चीनी को तेज गैस पे हमने, जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए, तेज गैस पे ही पकाएंगे। जब जैम को आप घर पे बनाते हैं तो आपको पता रहता है कि इसके अंदर आपने क्या चीज़ यूज़ की है, यानी कि हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव को यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो बेस लिया है वो प्योर आंवला है। आंवले को स्टीम में पकाने से उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो पूरे इसके अंदर बने रहते हैं। तो जब भी बच्चों को जैम की कोई आइटम देनी हो तो आप इसी प्रकार से घर पर ही जैम को बना के दीजिए। ये चीनी मेल्ट हो गई है, गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल कम कर देंगे क्योंकि अब अगर ये तेज रहेगा तो जो छींटे हैं वो उड़ के आपके ऊपर आएंगे। हमें इसे अब कम से कम 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक करना है। मुझे इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। जैम को चारों तरफ से लेते हुए हमने इसको चलाना है। फ्रेंड्स, जैम बनाने के बाद हमें उसे प्लेट टेस्ट करना होता है, यानी कि आप प्लेट पे इस तरीके से ड्रॉप को डालेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद प्लेट को आप इस तरीके से करेंगे तो वो बह के नहीं जाना चाहिए। अगर बह के जाए तो इट मीन्स हमें और पकाना है। ये हमारा जैम बिल्कुल पक के तैयार हो गया है, गैस को हम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, जो जैम रहता है वो साफ सूखे कंटेनर में भरा जाता है। साफ सूखा कंटेनर अगर स्टरलाइज करके आप लें तो सबसे बेस्ट है, यानी कि उबलते हुए पानी में इस कैन को आप 2 मिनट के लिए उबाल लें फिर इसे अच्छे से सुखा लें। इस तरीके से जो कैन रहता है वो आपका स्टरलाइज हो जाता है। सीधा डायरेक्ट आपने प्लेटफॉर्म पर इसको नहीं रखना है, नीचे आप किचन टावल या मोटा टावल जरूर से रखेंगे और उसके बाद हमने गरम गरम जैम को ही इसके अंदर फिल करना है। अगर आपने प्लेटफॉर्म पे कपड़ा नहीं रखा तो आपका जो कैन है वो टूट सकता है और जैम सारा खराब हो जाएगा। इसे डालने के बाद आप इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे और इसे इसी प्लेटफॉर्म पे ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसका ढक्कन को बंद करेंगे।
फ्रेंड्स जैम जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अगर आप ये देखेंगे तो पूरी तरह से सेटल है, अच्छे से ये सेट हो गया है। इसे आप बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना हो आप साफ सूखे चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने गीला चम्मच इसमें लगाया तो बहुत जल्दी इसके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी जैम को आपने निकालना हो तो साफ और सूखा चम्मच यूज़ कीजिएगा। हमने इसमें कोई भी कलर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके आपको चलना होगा। आप इसे फ्रिज में ही स्टोर कीजिए, आप इसे साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो ये 5-6 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। जैसे आप जैम यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप यूज़ कीजिए। और देखिए आप सिर्फ 2 चीज़ों से बना है, यानी कि हमने चीनी और आंवला का पल्प लिया है और इसके अलावा इसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। तो ये बहुत टेस्टी यमी जैम आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। हेल्दी भी है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, बेस सिर्फ आंवले का है, तो आपको पता है बिल्कुल प्योर है। आप इसे बनाइए, खाइए। रेसिपी पसंद आए तो फ्रोलिक स्टेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।